चलिए कीजिए। कंसेंट्रिक सेल है, अंदर वाले पे चार्ज है 2Q, बाहर वाले पे चार्ज है 7Q। आपने क्या किया, इसको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि हर एक दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है। चार्ज कब तक मूव करता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कैपिटल क्यू बाय फोर गलत है, पाँच मान लीजिए यहाँ से क्यू चार्ज किया था, यहाँ पे बचा कितना है 2Q-Q, और इधर कितना चार्ज हो गया 7Q+Q। तो ए पे और बी पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। बस इसकी इक्वेशन लिखिए। पर क्यू से कैलकुलेशन सही कीजिए। अंदर वाले पे चार्ज आ रहा है 0, और बाहर वाले पे चार्ज आ रहा है 9Q। ये है आंसर। हाँ, तो Q इज इक्वल टू 2Q आ जाएगा। इसका मतलब अंदर वाले पे चार्ज कितना बचेगा 0, और बाहर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा 9Q। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, VA इज इक्वल टू VB। A पे पोटेंशियल अंदर वाले के कारण KQ डिवाइडेड बाय R।
अब बाहर वाले के कारण पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय टू आर, बाहर वाले पे पोटेंशियल अंदर वाले के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और बाहर वाले के कारण पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसको सॉल्व कीजिए, क्यू इज इक्वल टू आर आर है टू क्यू। तो अंदर वाले पे चार्ज कितना बचेगा? जीरो। अब बाहर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? नाइन क्यू। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक लाइन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अभी आपने क्या किया है, अंदर वाले शेल को और बाहर वाले शेल को वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ दिया इसका मतलब पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कैसा बिहेव कर रहा है? कंडक्टर की तरह, है ना। वायर से जोड़ दिया, अंदर से बाहर की तरफ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है, अगर मैं वायर से जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। और कंडक्टर में आपको पता है कि अंदर में चार्ज कितना होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कंडक्टर में? जीरो। किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे रहता है। ये तो पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही आपने वायर से जोड़ दिया तो अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब टू क्यू चार्ज कहाँ चला गया? बाहर। कितना हो जाएगा? नाइन क्यू। आगे सुन में, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्या 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 है? वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। हाँ, तो बेसिक ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एनर्जी डेंसिटी। मैं कोई डेरिवेशन नहीं करूँगा, नहीं याद रखिए। वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका क्या है? हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Q1 चार्ज इसको आपने क्या किया है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसके सरफेस पे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। दूसरा वाला है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। मेरे से पूछा गया फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी क्या होगा हॉलो स्फीयर का? आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, याद है। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर।
इन दोनों के कारण क्यू वन क्यू टू के कारण भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना होगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। आगे समझे? क्लियर है? कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। फाइंड टोटल एनर्जी। ये एनर्जी जो हम फाइंड करते हैं वो किस पॉइंट पे फाइंड करते हैं? क्या क्या ये एनर्जी हम किस पॉइंट पे फाइंड करते हैं? ये एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? ये है सिंपल क्वेश्चन। देखिए अंदर वाले की क्या होगी? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। बाहर वाले की क्या होगी? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। और एक क्यू वन क्यू टू के कारण भी होगी एनर्जी। इसको कैसे निकालेंगे? क्यू वन क्यू टू के कारण एनर्जी। लॉजिकली सुनिएगा, है एक लाइन कहीं, एक लाइन ही लिखना मेरे को, लेकिन लॉजिकली सुनिएगा। मैं इस सिस्टम को बनाऊंगा कैसे? सबसे पहले क्या करूंगा, आर वन रेडियस का एक शेल बनाऊंगा, उस पे क्यू वन चार्ज दूंगा, ठीक। उसके बाद आर टू रेडियस का दूसरा शेल बनाऊंगा और उस पे क्यू टू चार्ज दूंगा। ऐसे करूंगा ना, पहले अंदर वाला सरफेस फिर बाहर वाला सरफेस, यही काम होगा। तो जब मैंने अंदर वाला सरफेस बना लिया, उसकी वजह से बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? ये होगा ना। और बाहर वाले सरफेस पे कौन से चार्ज को लेकर आ रहा हूं? क्यू टू। तो पोटेंशियल इनटू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है ना। तो अंदर वाले की वजह से बाहर मैंने पोटेंशियल निकाला और उस पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? चार्ज से। तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। खत्म। ये गलती मत कीजिएगा कि के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, सॉरी डिवाइडेड बाई आर वन इंटू क्यू वन। उल्टा नहीं चलेंगे, पहले हम लोग क्यू वन डालेंगे उसके बाद क्यू टू आएगा। तो क्यू वन की वजह से हम लोग आर टू डिस्टेंस से पोटेंशियल निकाल लें, और उस पोटेंशियल पे कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं? क्यू टू चार्ज को। तो
तो पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों का ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फीयर वाला पार्ट खत्म हो गया। डिस्कशन ऑन इनफाइनाइट शीट। यहां से आईटी ने दो तीन बार क्वेश्चन पूछा है, भले कि हम लोग जब जहां से सॉलिड स्फीयर हम लोगों ने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ स्फीयर, वहां से लेके जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा कैपेसिटर तक, यहां से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन आने की। अब वो कहां से आएगा मेरे को भी नहीं पता, जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करो, संभावना यहाँ से ज्यादा है क्वेश्चन आने की। मैंने कहा कि एक देखो बेसिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पे वापस आ रहे हैं। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज तो वॉल्यूम में पूरा फैला होगा ना। तो आपने कहा कि जो भी चार्ज है पूरे वॉल्यूम में, जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो आपने कहा कि क्यू चार्ज पूरा अंदर बाहर फैला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको आपने। इस वाले पॉइंट पे इधर बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस तरफ को सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चलिए, एरिया आपने ए माना हुआ, तो मैंने कहा कि इसको कितना चार्ज दिया आपने, क्यू चार्ज। दूसरे टाइप पे आते हैं, इनफाइनाइट शीट कंडक्टिंग शीट है, अगर कंडक्टिंग शीट है तो आपको पता है कि अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा तो ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो आपने कहा कि इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्यू बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू बाई टू आ जाएगा। अब इस केस में अगर मैं सिग्मा लिखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है एक सरफेस पे, क्यू बाई टू, एरिया कितना है ए। मैंने इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेस के कारण आएंगे, एक लेफ्ट वाले सरफेस के कारण और एक आपका राइट वाले सरफेस के कारण। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है कितना, क्यू डिवाइडेड बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, जैसे कंडक्टर में होता था। यहां तक नोट कर लीजिए,
अरे यहाँ पे अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने सिग्मा क्यों लिया? नहीं मतलब कि जो शीट है ना इसकी थिकनेस से ना के बराबर है, ओके इसलिए मैंने शीट के बारे में बात कर रहा। हो गया ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। 2 दिन का क्वेश्चन आईटीएनई से पूछा है। कंडक्टिंग शीट है, ये दोनों कंडक्टिंग शीट है, इसको मैंने चार्ज दिया Q1 और इसको चार्ज दिया Q2। कंडक्टिंग शीट है तो आपको पता है कि अंदर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। जीरो ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है इसी कॉन्सेप्ट पे है कि ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के किसी कॉन्सेप्ट इसको हम डिराइव करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ऐसे कंडक्टिंग शीट पे मैं चार्ज दे दूं Q1 Q2 और दोनों को मैं पास पास रखूं तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आए समझ? मैंने कहा कि इस वाले सरफेस पे Q1 चार्ज है, इस वाले सरफेस पे Q2 चार्ज है, इस वाले सरफेस पे Q3 चार्ज है, इस वाले सरफेस पे Q4 चार्ज है, तो मेरे को इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है क्वेश्चन? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो Q1 और Q4 है, ध्यान से समझिएगा, पहला सरफेस और सबसे लास्ट वाला सरफेस, इन दोनों पे चार्ज इक्वल होता है। Q1 इज इक्वल टू Q4 और ये कितना होता है? दोनों के समेशन का आधा, मतलब कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और जो अंदर वाले हैं, जो सरफेस आमने सामने है, ठीक, तो जो सरफेस आपके आमने सामने है उन सरफेसेस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। लिख लीजिए, जो सरफेसेस आमने सामने हैं उनमें चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी का होता है। और जो इसको लिखा है इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि जो पहला वाला सरफेस है और जो लास्ट वाला सरफेस है उन दोनों पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या था? Q1 Q2 ना, लेकिन इसको जनरलाइज कर लिया कि पहले वाले सरफेस पे और सबसे लास्ट वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। मैंने कहा इनफाइनाइट शीट है, Q2 Q3 Q, तो मेरे से पूछा गया हर एक सरफेस पे चार्ज कितना है। चलिए जल्दी से आप निकालिए, उसके बाद मैं करता हूँ।
सर पहले पे 3q माइनस 2q और दूसरे पे 2q और तीसरे पे 3q। पहले पे 3q और बाहर वाले पे भी 3q, ठीक है। पहले वाले का जो इनर सरफेस है उसे माइनस 2q और जो सेकंड वाले का इनर सरफेस है उसमें है प्लस 2q और थर्ड वाले का इनर सरफेस में 0। सही है। आपने तो पहले कहा कि पहला वाला सरफेस और सबसे लास्ट वाला सरफेस है, इस पे चार्ज कितना होगा? क्यू प्लस 2q, 3q, 3q प्लस 3q, 6q, 6q डिवाइडेड बाई 2, 3q। तो पहले वाले सरफेस पे और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2। इस वाले पहले वाली शीट को आपने कितना चार्ज दिया है? क्यू ना, ठीक। तो इस पे टोटल चार्ज तो क्यू ही हो सकता है ना। तो अगर बाहर वाले सरफेस पे 3q चार्ज है तो अंदर वाले सरफेस पे कितना होगा? माइनस 2q ना, तभी तो इन दोनों का समेशन क्यू के इक्वल होगा। अब इस पे माइनस 2q आ गया, तो मैंने बताया था कि जो सरफेस सामने सामने होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी। अगर ये माइनस 2q है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस 2q। इस पे कितना चार्ज था टोटल? 2q। 2q इधर आ चुका है तो इधर कितना होगा? जीरो। अगर ये जीरो है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? जीरो। क्लियर है? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटर। जैसे कैपेसिटर आपने देखा होगा कि हम लोग बेसिकली देखें कि कैपेसिटर होता क्या है। ध्यान से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी कि कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन है क्या। जैसे आपने देखा होगा कैमरे में फ्लैश लाइट होती है, होता है ना। थोड़े से पुराने जमाने में, चलिए आजकल तो मोबाइल वगैरह है, ठीक, थोड़े से पुराने जमाने में कि जब हम लोग कैमरा यूज करते थे उसमें बैटरी लगाते थे, पेंसिल सेल, है ना। तो जो पेंसिल सेल होती है वो आपकी 1.1 वोल्ट की होती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं होता, 1 वोल्ट मान लीजिए अप्रोक्स। तो हम लोग दो पेंसिल सेल यूज करें तो 2 वोल्ट, ठीक। 2 वोल्ट से जो करंट निकलेगी वो मिली एम्पियर में निकलेगी, है ना। तो पावर तो ज्यादा नहीं होगा ना, 2 वोल्ट है और मिली एम्पियर में करंट निकल रही है, तो पावर क्या होगी? मिली वॉट में होगा। वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक। लेकिन इमेजिन कीजिए जब उस कैमरे को, या सिंपल आकर मोबाइल भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी बैटरी वोल्टेज ज्यादा थोड़ी ना होता है, 5 वोल्ट से कम ही रहता है मोबाइल की बैटरी भी, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे फ्लैश लाइट यूज करते हैं तो अंधेरे कमरे में भी शक्ल बिल्कुल साफ नजर आती है ना। इमेजिन कीजिएगा कि जो उसमें बैटरी लगी है वो तो 2 या 3 वोल्ट की है, ठीक। 2 वोल्ट की बैटरी से इतनी रोशनी कैसे निकल सकती है? क्योंकि तो अगर शक्ल साफ नजर आ रही है इसका मतलब वो 5 वॉट का एलईडी बल्ब होगा, इतनी रोशनी निकल जाती है तभी शक्ल साफ नजर आती है। और वो जो फ्लैश लाइट करता है, जब वो फोटो क्लिक करते हैं वो सिर्फ मिली सेकंड के लिए फ्लैश करता है, ये नहीं कि आपने फोटो क्लिक किया 1 घंटे तक फ्लैश ही कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना। मिली सेकंड के लिए फ्लैश करता है, ठीक। मतलब कि टाइम ड्यूरेशन फ्लैशिंग का बहुत कम होता है,
और उतने टाइम में जितने देर में फ्लैश हो उतने टाइम में फोटो क्लिक हो जाती है। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो क्या है, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये डेफिनेशन तो सबको पता है कि कैपेसिटर क्या है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसने जो भी एनर्जी स्टोर की है वो माइक्रो सेकेंड में रिलीज कर सकता है, मतलब कि एट द इंस्टेंट। ऐसा नहीं, जैसे बैटरी, बैटरी भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटर, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे इन्वर्टर को समझना आसान है एग्जाम्पल के लिए, कि जो इन्वर्टर में बैटरी के पास जो एनर्जी है वो पूरे 12 घंटे या 24 घंटे सप्लाई करता है, तब जाके बैटरी डिस्चार्ज होता है। और जो कैपेसिटर है वो क्या लगता है, मिली सेकेंड लगता है उसको डिस्चार्ज होने में। है ना, फ्लैशलाइट दिया उसके अंदर जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कंडेंसर जो इसमें लगा रहता है फैन में व्हाइट कलर का देखा होगा आपने, वो भी कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो वो भी एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कैपेसिटर का यूज आता है, जहां पे मेरे को झटका देना हो, मतलब कि पूरी एनर्जी एक बार में यूज करनी हो। अब वहां पे आपने कई बार देखा है कि जब फैन काम नहीं करता है उसको आप हाथ से धक्का देते हैं फिर वो मूव करने लग जाता है। तो इसका मतलब अगर लॉजिकली सोचिए कि अगर फैन को मेरे को रोटेट करवाना है तो उसको मेरे को स्टार्टिंग में पुश करना पड़ता है ना। और कैपेसिटर सोचिए कितना छोटा सा डिवाइस है, एक बार कोई भी कैपेसिटर होगा ना उसको निकाल के उसकी रेटिंग पढ़िएगा, पावर रेटिंग बहुत कम होती है उसकी पावर रेटिंग। तो जब कैपेसिटर फैन है, फैन में कंडेंसर ने क्या किया, एनर्जी स्टोर कर ली, वो एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। अब बोला कि जैसे ही स्विच ऑन होगा मैंने जितनी एनर्जी स्टोर की है वो मैं तुरंत भेज दूंगा ताकि मैं फैन को पुश कर सकूं, तभी तो रोटेट होगा। इनिशियल पुश की जरूरत पड़ती है फैन में, मैं उसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिसमें समझ आ जाए, टेक्निकल चीजें पे नहीं जाने की कोई आवश्यकता है, ताकि कैपेसिटर में कुछ समझ में आए कि कैपेसिटर है क्या। क्लियर है, अब यहां तक लिख लीजिए पहले, ये एक दो एग्जांपल और बेसिक डेफिनेशन। मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैपेसिटी पे थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नोट कर लिया, चलिए जो चीज हमने पढ़ी है उसी पे थोड़ा सा दोबारा आते हैं। जो मैंने बोला था जब पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कैपेसिटर का बेस है, याद आ रहा है जब शेल वगैरह स्टार्ट किया था स्फीयर, आर्यन को याद नहीं आ रहा।
जो पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था कि इस पोटेंशियल एनर्जी को याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, आर से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फैली हुई है कहाँ से आर से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सब वर्ड यूज कर रहा था। और मैंने बोला था कैपेसिटर में इसको हम लोग यूज करेंगे, तो मैंने कहा कि आपके पास क्या है, शेल है, होलो स्फीयर है, कुछ भी कह लीजिए इसको, और इस पे क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज है, रेडियस आर है। इस पे आपने दो चीजें निकाली थी। अगर मैं इसके पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो पोटेंशियल आपने लिखा था के क्यू बाई आर सरफेस पे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी आपने के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और मैंने कहा था ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है। याद है? अब हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करें। एक हमने टर्म डिफाइन किया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब लॉजिकली सोचिए, यहां पे जो आपने एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर मैं पॉइंट चार्ज मान रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही चार्ज को होल्ड कर सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज होल्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। अरे सुनिए, तो यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी और R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्या रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन V? नो सर, कांस्टेंट होता है तो। तो क्या C डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आई पे, वैसे ही सी डिपेंड करता है वी पे? रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, हर एक कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टेंस ही इसकी प्रॉपर्टी है। और वैसे ही कैपेसिटेंस क्या हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना होल्ड कर सकता है किसी भी चार्ज को। तो हम लोग यहाँ पे शेल के कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अगर मैं शेल के कैपेसिटेंस को लिखूं तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू डिवाइडेड बाई वी कितना लिखा है आपने, के क्यू बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इधर स्टैंडर्ड इसको रटते हैं बोर्ड एग्जाम में कि स्फेरिकल शेल के लिए कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, रेडियस मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ बॉडी। चलिए अभी यहाँ पे ये खत्म हुआ नहीं है, अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। अभी आपने लिखा सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी और कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अगर इसको इस फॉर्मूले से मतलब कि जो मैथमेटिकल रिलेशन है इससे अगर कोरिलेट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और सॉरी पर यूनिट वोल्टेज, है ना, क्यू बाई वी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे। अगर मैं एनर्जी को कहूँ, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है तो आपको पता है कि जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो इसका मतलब मेरे को एनर्जी को इंक्रीज करना है, इसका मतलब कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। सिर्फ कोरिलेट कीजिए, मैंने कहा कैपेसिटेंस ज्यादा हो तो क्यू ज्यादा होगा, क्यू ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को एनर्जी को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, ये कंक्लूडिंग पार्ट है मेरा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ इतनी एनर्जी उसके पास है, जब जरूरत पड़ेगा इस एनर्जी को वो यूज कर सकता है ना। तो मेरा मेन मुद्दा है, मतलब कि मेरा मेन मोटो है कि मैं एनर्जी को इंक्रीज करूं और एनर्जी इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी एनर्जी उसके पास ज्यादा हो सकती है। ठीक, आपने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए लिखा अभी 2 मिनट पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वैल्यू पुट कीजिए, सी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻²² इंटू आर। अगर आप इसकी वैल्यू देखें कंडक्टर का रेडियस कितना होगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बिल्डिंग के बराबर थे ना स्फेरिकल कंडक्टर बना देते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्रैक्टिकली बहुत छोटी होती है, 10⁻², देखें −12 पे जा रहा है ना। अगर हम लोग 10 मीटर भी लेते हैं तब भी इसकी वैल्यू देखिए 10⁻⁸ −9 ऐसे चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है प्रैक्टिकली। अब आप खुद सोचिए,
मैंने कहा कि ऐसा कैपेसिटेंस चाहिए मुझे जो कि 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर सके। तो आपको पता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो आपने कहा क्यू कितना चाहिए, 1 कूलम, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, मतलब कि सी की वैल्यू 1 चाहिए मेरे को, ये हुआ ना इसका मतलब। अगर सी की वैल्यू 1 चाहिए, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ तो मेरे को आर की वैल्यू मिल सकती है यहाँ से। आर की वैल्यू देखिए अप्रोक्सीमेट 10 के पावर 12 मीटर पे चली जाएगी। आ रहे सुनने, सी की वैल्यू 1 ले लीजिए तो 10 की पावर 12 मीटर, ये तो अर्थ के रेडियस से ही बड़ा हो गया। ठीक, तो जो प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए अमूमन जो हम लोग यूनिट को यूज करते हैं कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए वो माइक्रो फेराड यूज करते हैं। देखा है ना, हमेशा माइक्रो फेराड में दिया रहता है। चलिए, ये तो पहला ड्रॉबैक हुआ। पहला ड्रॉबैक क्या हुआ कि अगर मेरे को कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं किसके ड्रॉबैक बता रहा हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर के। ठीक है, तो उसके ड्रॉबैक क्या क्या है? अभी आपने कहा कि इसके पास एनर्जी है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर। ये एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और ये एनर्जी फैली हुई है आर से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और इसको मैं एट इंस्टेंट यूज कर सकता हूँ। कैपेसिटर ये तो है, पूरी एनर्जी एक इंस्टेंट पे दे देता है। तभी तो 2 वोल्ट की बैटरी भी फ्लैशलाइट ऐसा देता है 5 वाट के बराबर, कि एनर्जी को उसने बचा के रखा और एक इंस्टेंट पे देगा, 1 मिली सेकेंड में दे देगा। ठीक, यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वही एनर्जी तो वो किसी भी इंस्टेंट पे दे सकता है, जो उसके पास होगा वही देगा। तो आपने कहा कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के पास जो एनर्जी है वो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ये एनर्जी आपकी आर से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है। जैसे कि मानिए, इसको समझने का बेहतरीन तरीका क्या है, आपके पास एक बकेट है, बकेट में पानी है। ठीक, उस बकेट के पानी को आपने क्या किया, फ्लोर पे गिरा दिया। फ्लोर पे गिरा दिया तो जो पानी है वो एनर्जी है। ठीक है, फ्लोर पे गिरा दिया इसका मतलब एनर्जी को फैला दिया ना आर से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, मतलब कि जो फ्लोर पे पानी फैला हुआ है इसको अब यूज करना चाहते हैं, तो एट इंस्टेंट यूज कर पाएंगे क्या? फ्लोर पे पूरी फैली हुई है, थोड़ा सा समेटेंगे, थोड़ा समेटेंगे, थोड़ा समेटेंगे, पूरा एनर्जी यूज करने में, फ्लोर के पूरे पानी को यूज करने में आपको टाइम लग जाएगा। मतलब कि बैटरी है, आपके हाथ में बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है। होली में क्या करते हैं, फ्लोर पे पानी नहीं गिराते हैं कि वहां से मैं पानी लूंगा उसके बाद सामने वाले पे फेंकूंगा, तो पता चला कि जो 1 घंटे की होली मनानी थी 24 घंटे मनाए। आप क्या करते हैं, किसी को गीला करना रहता है तो बकेट में पानी भरते हैं और सामने वाले पे उड़ेल देते हैं, ये करते हैं ना। तो आप कैपेसिटर का काम कर रहे हैं, पूरी एनर्जी स्टोर कर ली बाल्टी में और एट इंस्टेंट फेंका उसको, तब अलग इम्पैक्ट आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या है, आर से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है, तो क्या मैं उसको जल्दी से समेट पाऊंगा, मतलब कि तुरंत कम सेकंड में यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं ना, जैसे फ्लोर पे पानी फैला हुआ
तो उसको मैं कम टाइम में तो यूज नहीं कर सकता, मेरे को टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा अगर पूरे फ्लोर के पानी को यूज करना है तो। ठीक, तो उसी तरीके से ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर के सेकंड ड्रॉबैक क्या है कि इसकी एनर्जी जो है वो आर से लेकर इन्फिनिटी तक फैली हुई है। अगर इन्फिनिटी तक फैली हुई है तो इस एनर्जी को एट इंस्टेंट में यूज नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हुआ ये? लिख लीजिए, क्योंकि ड्रॉबैक तो क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी में। इसका मतलब देखो, कैपेसिटर में जो एनर्जी चाहिए वो फैली भी नहीं चाहिए, वो बिखरी भी नहीं होनी चाहिए, वो बाल्टी की तरह होनी चाहिए जिसमें पानी भरा हो, मतलब कि बंधी हुई, बॉन्डेड है ना, ताकि मैं उसको एक बार में यूज कर सकूं। ठीक, अब शुरुआत कैपेसिटर कैसी हुई थी? स्फेरिकल शेल से स्टार्ट किया था उसने। अब गलती से क्या हुआ, एक बार बहुत दिनों तक सोचता रहा साइंटिस्ट, कह रहे क्या किया जाए कि मैं कैपेसिटेंस बढ़ा दूं। तो रोज लैब में आता था, टाइम बिताता था सोच सोच के कि करूं क्या, डायमेंशन बढ़ा नहीं सकता अगर कैपेसिटेंस बढ़ाने तो, क्योंकि जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अभी आपने देखा था 1 फैराड करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, रेडियस आपका अर्थ के रेडियस से बड़ा हो जा रहा था। तो गलती से, ये काम गलती से हुआ था कि ये स्फेरिकल कंडक्टर था, इसके बगल में न्यूट्रल कंडक्टर वो रख के भूल गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जैसे करते रहते हैं, कुछ सामान भूल जाते हैं, तो भूल गया। अगले दिन आया, तो जब अगले दिन आया तो उसको कुछ अजीबोगरीब चीज मिली। अजीबोगरीब चीज क्या मिली उसको, तो उसने देखा कि न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर था, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये होगा ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो पोटेंशियल है इसका, इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना। पहले मान लीजिए इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट था, इसके बगल में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर और ऐड होगा ना इसमें, तो इसके कारण जो 10 वोल्ट था वो हो जाएगा 8 वोल्ट या 9 वोल्ट। तो मैंने कहा कि जब इसके बगल में कंडक्टर को दिए थे नेगेटिव चार्ज के कारण, इसकी पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज हुई तो आपने क्या कहा, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो सी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। आया सुनने?
तो इस साइंटिस्ट को एक आइडिया मिल गया, ये हुआ गलती से था, कि उसको एक आइडिया क्या मिल गया कि अगर मैं कंडक्टर लूँ जिस पे पॉजिटिव चार्ज, रिकॉर्ड लूँ जिस पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को अगर मैं पास में रख दूँ तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इस केस में क्या होगा, अब इस केस में जो नया पोटेंशियल मिल रहा होगा वो और छोटा मिलेगा जो पहले मिल रहा था सिंगल कंडक्टर के कारण, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू और छोटी मिल गई, पोटेंशियल की वैल्यू और छोटी मिल गई, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू और इंक्रीज हो गई, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये रहता है, अब देखता हूँ ये डायग्राम ऐसे बनाते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको ये आइडिया यहाँ से मिला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, दो अलग अलग कंडक्टर लो, तो मैंने दो अलग अलग कंडक्टर ले ली, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसी एरिया में है, इसी रीजन में, तो इसका मतलब जो एनर्जी पहले फैली हुई थी इन्फिनिटी तक, उस एनर्जी को आपने बाउंडेड कर दिया, मतलब कि बाल्टी में पानी ले लिया, अब इस एनर्जी को मैं तुरंत किसी भी इंस्टेंट पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज अभी मैंने सिर्फ कैपेसिटर की भूमिका बांधी है कि है क्या, कैपेसिटर को समझें पहले, ठीक है। इवनिंग में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, बस डेरिवेशन एक भी नहीं करवाने वाला मैं, ठीक है। डायलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट पे एक डेरिवेशन करवाऊंगा जो आखिरी में आएगा। चलिए उम्मीद है कि आज कल मॉर्निंग तक इसको बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आज क्लास है 3 बजे, 3 o'clock, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि पर डे क्लास आपकी 3 बजे है, 2:30 बजे वो लिखा हुआ टाइम, 3 बजे होगी सर। आज ऑनलाइन ही होगी ना? हाँ ऑनलाइन ही, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, वैसे ऑनलाइन ही लीजिए कि आपका टाइम ही बचेगा, ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आधे घंटे भी अगर टाइम बचा रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे आप लोग। सर हम लोग ऑनलाइन ही ले लेंगे, आप आई बार इसी पे पढ़ा देना है। इसी पे पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, बोर्ड पे दिखता नहीं है। ठीक है मैं इसी पे बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम वेलकम।